सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत कोई भी जंगल में जाकर शिकार नहीं कर सकता, ना ही पेड़ पौधे काट सकता है, ना ही अपने बैल ढोरों को जंगल में चरा सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पाया गया तो सरकार उस पर जुर्माना लगाएगी। पुराना धंधा था जैसे तीतर बटे लवा खरगोश हिरन, जैसे धंधा चल रहा था तो वो भी बंद हो गया राष्ट्रीयकरण जब से चला। अब वो धंधा भी नहीं कर सकते क्योंकि पकड़ा गए थे डायरेक्ट जेल। जंगल से तुम्हें पता नहीं है सरकार ने मना किया जंगल में जाने से, शिकार करने से। ये जो रात क्या कह रहे हो, जंगल हमारा है। जंगल तुम्हारा नहीं है, जंगल सरकार का है। लाओ निकालो जुर्माना, हम नहीं देंगे। नहीं दोगे? चलो चौकी पर। नहीं, यार बाप बड़े तो मरी गए जंगल में, पर हमको पता भी नहीं था कि जंगल हमारा। अब थोड़ा थोड़ा तो हमें पता चल ही गया कि जंगल हमारा है। कानून ने जबरदस्ती हमसे छीन लिया, जैसे हमारे ऊपर आरोप भी लगा रहे अभी भी। इससे भी थोड़ा थोड़ा तो पता चल ही गया कि व्हाट्सएप में जाना, नाटक करना, उन्होंने जंगल छीने, जंगलों में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां लगा दी। वहाँ जंगल नष्ट नहीं होता, अगर पारधी जंगल से कुछ लेता है तो वहाँ जंगल नष्ट होता है। जंगल में मैं घर गए अपने जाते अपने सगा गोत्र नाम बोले कब ना कर उनको मानना कौन मानना। हम एक आदिवासी थे, हमारा एक जंगल था तो सरकार ने कानून लगा के छीन लिए। सरकार ने आज से एक और नया कानून बनाया है जिसके तहत की मीना पारधी घुमक कर जाति समेत 150 जनजातियों को अपराधी घोषित किया है। सरकार इन जातियों को शक की निगाह पर गिरफ्तार कर सकती है। एक नया कानून रचा है जिसका नाम है हैबिचुअल एक्ट, और जिसे हिंदी में बोलते हैं आदतन आपराधिक कानून। तो सरकार ने एक नजरिया उन जातियों के तहत ऐसा बनाया है, उसका जो बच्चा पैदा रहा वो भी चोर है, उसका जो दादा था इसका बाप था वो भी चोर है। कहीं जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं वेन कड़ा है, चोर है, पल्ली प्लास्टिक बीनता है। हमारी जात पार दीजिए, चोर है, चलो काम नहीं मिलेगा। कौन देता है काम आज की तारीख में? गांधीनगर में काम नहीं मिलता। हम कहाँ काम ढूंढने का जाए, विदेश में जाएंगे क्या काम ढूंढने? मशीन चलाता, एक चक्कर चला गया यहाँ से रोड पकड़ तो वहाँ पे ही पकड़ लिया उन्हें। क्या चोरी कर रहा है? बाजार से आ रहे साहब, क्या कर के आ रहे हो? सब्जी लेके गए नई से तुम्हारी गाड़ी भी नहीं दिख रही है, बाजार से लाई तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ जात कौन सी तुम्हारी? पारधी। पारधी जाते कितने दिन की? 50,000 रुपए लगेंगे तुम्हारे। ऐसे भी तुम्हारे लड़कों को 10 साल की जेल होगी। बोल दिया ना, बस जाओ 50,000 में लेके आओ। औरतों की तो बहुत ही बेइज्जती हो रही है, खराब। वो बेचारी बिन के लाती है, के मांग के लाती है, के मार खा के लाती है। वो पूरा तो छीन के ले जाके बेचारी उनके दर। एमपी नगर से इस लाइन में कॉलोनी में बढ़ गई तो मैं तो उधर से बिन के आ रही थी, मेरे सिर पे ऊपर हो रहा था। अब क्या पता क्या लाइन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। उधर से निकल के आ रही मैं, इतने में मुझे पकड़ लिया घरधनी ने कॉलोनी वाले ने पूछताछ करी मेरे से, कुछ भी नहीं निकला मेरे पास से। अब कॉलोनी वाले ने 2-4 थप्पड़े लात मुक्के मारे मुझे वहाँ। अब थाने में लिया, थाने वाले ने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरा हाथ टूट डाला मुझे। दो ढाई तीन घंटे से मारा, दो होश कर दी, खूब मारा उसने, दो होश हो गई मुझे। फिर वहाँ से अदालत पेश कर दिया मुझे और जेल पहुँचा दिया मुझे। स्कूल जाते स्कूल में कहते पार दिया, हम नहीं देंगे एडमिशन।
क्या करोगे तुम पढ़ लिख कर, तुम्हारे जात वाले तो वैसे भी नहीं पढ़ते, चोरी करते हो तुम लोग पारधी, किसकी तिजोरी तोड़ोगे तुम पढ़ लिख कर। आज भी भारत सरकार भी अंग्रेजों के नजरे से उन जातियों को देख रही है। या जमीन दो ही नहीं तो जमीन करेंगे, या कोई धंधा नहीं है तो उस धंधे में जाएंगे। हमारे पास का कोई सा काम है, कोई बिजनेस है क्या कुछ है हमारे पास, तो हम चोरी नहीं करेंगे। हमको काम दे दो, कोई अच्छा अच्छी नौकरी दे दो, वो करना भी बंद कर देंगे चोरी। खेत दे दो हमको अच्छी जगह जाके, हमारी जात की थोड़ी नाम बढ़े, जैसे पारधी ना कहलाया जाए। Yeah.